बांदा की जिन 97 बूथों पर विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में मतदान 50% कम हुआ था, उन 97 बूथों पर लोकतंत्र महाउत्सव मनाकर 75% से ज्यादा मतदान कराने के लिए तहसील सदर बांदा के 33 बूथों पर जिला निर्वाचन अधिकारी गाजे बाजे के साथ मतदाता जागरूकता रैली शहर में निकाली गई। 75 से ज्यादा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बुंदेलखंड का दीवारी नृत्य आकर्षण का केंद्र रही। जागरूकता रैली में जनपद के कई विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जन सामान्य को जागरूक करने के लिए बैंड बाजे के साथ जागरूकता रैली निकाली। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि हम आप सबके मत से ही देश और राज्य के साथ साथ गाँव की सरकार बनती है। इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का योगदान होना बहुत जरूरी है। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मतदाता के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले देश की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार रखेंगे और जाति धर्म विशेष समुदाय के आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। दस्तक दरवाजे तक इस नाम से आज हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। इसके पहले भी आप जान रहे हैं कि बहुत सारे अभियान कर चुके हैं। आज हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में 97 बूथ पूरे जिले में ऐसे थे जिसमें 50% से कम वोटिंग हुई थी। उनकी 97 बूथों पर हमारे बांदा विधानसभा में 33 बूथ हैं, तो उन बूथों को टारगेट करते हुए हम लोगों ने आज सारे बच्चे, इसमें स्कूल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के सम्मानित अध्यापिकाएँ हैं, आंगनबाड़ी है, सारे लोग हमारे सारे अधिकारी हैं, सारे लोग मिलकर के हम लोग करीब 4-5 किलोमीटर चले हैं। और इसी तरह का कार्यक्रम हमारे 4-5 तहसीलों में, नरैनी में, अतर्रा में, पैलानी में और सारी जगहों पर चल रहा है। तो ये 97 बूथ जिस पर 50% से कम वोटिंग हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उसी को, उन्हीं बूथों को टारगेट करते हुए